कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसमें उन्होंने कोरोना संकट को लेकर सरकार पर कुछ सवाल उठाए और कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के जरिए हम कोरोना वायरस के संकट को हरा नहीं पाएंगे, ये सिर्फ एक पॉज बटन की तरह ही काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोरोना को हराने का एक ही तरीका है, इसकी टेस्टिंग बढ़ाई जाए। देश में रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। देश में अब इमरजेंसी जैसे हालात हैं। एक जिले में औसतन सिर्फ 350 टेस्ट हो रहे हैं, जो काफी कम है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में टेस्टिंग की दर बहुत कम है और इसके चलते ही हमें कोरोना वायरस के मरीजों की सही संख्या के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। जब देश से लॉकडाउन हटेगा तो कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ेगा, हमें इस सच्चाई को समझना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा देना चाहिए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और ज्यादा ताकत देनी चाहिए। सरकार के पास गोदामों में अनाज भरा हुआ है और इसे सरकार को गरीबों को देना चाहिए। कोरोना संकट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अभी से कोरोना से जीत का दावा करना ठीक नहीं है और अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। सरकार को ये समझना होगा कि कोरोना वायरस के कारण देश में आगे चलकर खाद्यान्न की कमी होने वाली है, नौकरियों की भारी पैमाने पर कटौती होने वाली है। सरकार के पास इससे निपटने के लिए क्या प्लान है, इसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि कोरोना संकट के कारण लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जो कि सबसे जरूरी है। खाद्य सप्लाई एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इसी के लिए सरकार को अपने गोदाम गरीब लोगों के लिए खोल देने चाहिए। 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी सरकार को हर हफ्ते गरीब लोगों को मुहैया कराना चाहिए। आज भी कई लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास खाने पीने का सामान कैसे पहुँचे, इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का ये माइंडसेट होना चाहिए कि हम आखिर तक इस कोरोना वायरस के संकट से लड़ेंगे और जल्दबाजी में जीत का दावा नहीं करना चाहिए। कोविड-19 से राहत के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं, बल्कि इसके बाद की स्थिति को सरकार कैसे संभालेगी, इसकी कोई रणनीति होनी चाहिए। छोटे उद्योगों के लिए सरकार को किसी आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कई बातों से पीएम नरेंद्र मोदी से असहमत रहता हूं और आज भी हूं, लेकिन ये समय आपसी मतभेदों का नहीं बल्कि कोरोना वायरस से मिलकर लड़ने का है। सरकार को हमारा सुझाव है कि वो इस समय हमारे द्वारा दिए जा रहे सुझावों पर भी ध्यान दे, क्योंकि इस समय हम लोग भी कोरोना से लड़ाई में योगदान दे रहे हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।